सो व्हाट्स अप गाइस, बैक विद द ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, आप लोगों के लिए एक नई इंटरेस्टिंग थीम लेकर आ चुका हूँ, जिसमें जो आप लोगों को आइकन पैक में एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आपको सब जगह पर एनिमेशन देखने को मिल जाता है। जो भी आइकन सपोर्ट करता है यहाँ पर, वो जो है एनिमेटेड होता हुआ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यार, एक काफ़ी बढ़िया मेरे को लगी थीम, इसलिए जो है मैं आप लोगों के सामने जो इस थीम को लेकर आ चुका हूँ। और इस थीम में जो है आप लोगों को एक एनिमेशन का फीचर जो कम बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। और आइकन पैक की बात करें तो यार, आइकन पैक जो एकदम मिनिमलिस्टिक लुक आपके स्क्रीन पर प्रोवाइड कर देता है, और बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर है उसके अंदर जो ये काफ़ी बढ़िया लुक प्रोवाइड कर देता है। सो गाइस, आप लोगों को जानना ये कौन सी थीम है, तो यार आप वीडियो एंड तक का देखते रहिएगा। सो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बता दूँ, इस थीम में जो है आप लोगों को सब कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर डायलर पैड के ऊपर जो हाय लिखा हुआ है, मैसेज के ऊपर हेलो लिखा हुआ है, आइकन पैक भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है इस तरीके का। यहाँ पर जो डायलर पैड की बात करो तो डायलर पैड में जो इस तरीके का आप लोगों को लुक देखने को मिल जाता है। मैसेजिंग की बात करो तो मैसेजिंग में इस तरीके का आप लोगों को लुक देखने को मिल जाता है, जो कि बाकी थीम के मुकाबले बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइस, यहाँ पर जो है मैं बात करूँ स्टेटस बार की, तो स्टेटस बार में भी आप लोगों को चेंजेस देखने को मिल जाता है। लेकिन ये स्टेटस बार जो इस थीम का नहीं है, मैंने जो इसे चेंज कर चुका हूँ, क्योंकि इस थीम को जो थोड़ा मैंने स्टेटस बार में कस्टमाइज कर चुका हूँ, क्योंकि यार इस स्टेटस बार के साथ जो ये थीम जो परफेक्टली अच्छे तरह से जो लुक प्रोवाइड कर रही थी, इसलिए जो मैंने ये स्टेटस बार लगाया है। बाकी इसमें मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया है। मैं जो आप लोगों को इसका बाय डिफॉल्ट भी स्टेटस बार आगे चलकर दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले जो सेटिंग बात करो तो सेटिंग में जो है आप लोगों को नॉर्मल सा वही लुक देखने को मिल जाता है, जो कि आपके MIUI 11 के साथ आया था। यहाँ पर लॉक स्क्रीन की बात करो तो लॉक स्क्रीन में जो है आप लोगों को कुछ नहीं इस तरीके का ही आप लोगों को एक नॉर्मल सा लुक देखने को मिल जाता है बाय डिफॉल्ट वाला। बाकी इसमें कोई खास आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। लेकिन यार, आइकन पैक के एनिमेशन और आइकन पैक का साइज लुक एक काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब जो यार गाइस, इसकी बात कर दी, इस थीम को कहाँ से डाउनलोड करना है, कौन सी थीम है, तो यार यहाँ पर मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है थीम है न्यू ग्रीन वर्जन 10। और आप लोग सोचेंगे कि यार ये MIUI 11 में कैसे वर्क कर रही है, तो यार नाम से हमें लेने देना नहीं है, यहाँ पर जो है ये MIUI 11 में जो है परफेक्टली तरीके से काम कर रही है। अब यहाँ पर जो है इस तरीके का आप लोगों को इसके अंदर स्टेटस बार देखने को मिल जाता है, जो कि ऊपर की साइड देख सकते हैं। लेकिन ये मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आया, इसलिए जो मैंने जो है इस वॉलपेपर मतलब इस थीम को जो कस्टमाइज करके जो है ये मैंने जो है नोटिफिकेशन पैनल जो है स्टेटस बार जो है चेंज कर चुका हूँ। सो आप जो इसे ज़रूर से अपने फ़ोन में ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है थीम। मेरे को जो है पर्सनली दो तीन लोगों ने जो पूछा, जो कि रेडमी शॉमी के फ़ोन यूज़ करते थे, कि भाई ये कैसे किया और ये कौन सी थीम है मुझे भी बता दे। तो यार मैंने कहा कि भाई थोड़ी देर रुक जा, मैं जो इसके ऊपर भी वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो देख लेना। तो आई होप दोस्तों यार आप लोगों को वीडियो जो पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करके जाएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, टिल देन एंड बाय बाय।